हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो हमारे चैप्टर 5 है क्लास 10th, उसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे किससे पूछते हैं उस चैप्टर में 90% क्वेश्चन हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही पूछता है। तो हम बताओ, इसका एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर एटॉमिक नंबर हमें 1 to 20 याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4। सॉरी, ये ऑन है ना, एंड पीरियड नंबर 4। एंड सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है ग्रुप नंबर से, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। हमें क्लास 10th के सिलेबस में ग्रुप नंबर 3 to 12 नहीं पढ़ना है, तो उसके बाद हमें ग्रुप नंबर पढ़ना है 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहला एलिमेंट होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 18 में सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम, और इधर कोई एलिमेंट नहीं होता। दूसरा है लिथियम, जैसे जैसे हमें एटॉमिक नंबर याद है वैसे वैसे ही हमें लिखना है लिथियम। फिर है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे हमारे पास होता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर है पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले इसका एलिमेंट के बाद, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। इसके बाद हमें करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वह पहला शेल में जाएगा, के शेल में। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, इसका हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 2, इसका 2, 3, इसका 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और इसका क्या होगा 2, 8 होगा, और इसमें होंगे ओनली 2। सोडियम का होगा 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्युमिनियम 2, 8, 3, सिलिकॉन 2, 8, 4, फॉस्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7, आर्गन 2, 8, 8 एंड पोटेशियम 2, 8, 8, 1, कैल्शियम 2, 8, 8, 2। आइए यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने सेल है, सिर्फ ओनली 1 सेल है। तो नंबर ऑफ सेल, सेल कितना है 1, तो पीरियड नंबर 1। सेल कितने हैं 1 and 2, के सेल एंड एल सेल, के सेल एंड सेल, सेल पे ओनली 2 सेल है तो पीरियड नंबर 2, 3 सेल पीरियड नंबर 3 एंड 4 सेल पीरियड नंबर 4। तो बता नंबर ऑफ सेल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। जो पहला ट्रिक हो गया हमारे पास, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वही हमारा क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। सेकंड, हम आते हैं सबके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, आउटर मोशन में 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, आउटर मोशन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, आउटर मोशन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड आउटर मोशन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, आउटर मोशन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, आउटर मोशन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक्सेप्ट कौन, हीलियम। हीलियम को छोड़ देते हैं, बाकी सारे के आउटर मोशन में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, ओनली 2। एक चीज़ यहाँ पे क्या रूल आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो ग्रुप नंबर 13। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 3 से 12 मतलब 10 पीरियड को छोड़ दिया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ग्रुप नंबर आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ग्रुप नंबर 13, 4, तो 14, 5, तो 15, 6, तो 16, 7, तो 17 और 8, तो 18। तो हम लोग यहाँ से एक रूल बनाएंगे,
क्या हमारे पास आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या क्या हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 एंड 8। अगर मुझसे पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 to 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज क्या है? 1 to 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रुप नंबर। तो क्या बना हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 तो ग्रुप नंबर 1, 2 तो ग्रुप नंबर 2, 3 तो 13, 4 तो 14, 5 15, 6 तो 16, 7 तो 17 और 8 तो 18। सो द स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई। किसी चीज़ का हमारा पीरियड नंबर निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स देखना पड़ेगा, दूसरा उसका हमारा ग्रुप नंबर निकालना है तो उसका आउटर मोस्ट शेल देखने पड़ेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1, 2 तो 2। यहाँ देखिए बस एक यहीं पर चेंजिंग आ जाता है हमारा। चेंजिंग क्या है? तो ग्रुप नंबर अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो हमारे पास 13, 4 तो 14, 5 15, 6 तो 16, 7 तो 17 एंड 8 तो 18। इसके बाद आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछेंगे हमारे पास। तो आएंगे तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसको अभी यहाँ पे रब कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछेगा एन एलिमेंट एक्स हैविंग 3 शेल। जैसे हमसे बोलेगा 3 शेल तो हम लिख देंगे के एल और एम। इट हैज़ As many as electron in the third shell as in the first shell. तो बताओ third shell में उतना ही electron है जितना कि first shell में। तो बताओ third shell तो तभी भरेगा जब first and second भर चुका होगा। तो third shell में हम लोग कितना रखेंगे? Only 2 electron। क्योंकि उससे क्वेश्चन में क्या, as many as electron in the third shell as in the first shell, तो 2 8 2। Now element is magnesium. What is its valence electron? 2. What is its valency? That is 2. What is characteristics? It's metal. And what is its basic? It's oxide. Its oxide is basic. As we know that the oxides of metals are basic and the oxides of non-metal are acidic. Here magnesium are the metal, so its oxides are basic. इस पर जितने क्वेश्चन हैं वो सब मुझसे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. इसकी वैलेंसी कितनी है? 2. इसका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? आउटर मोशन में 2 तो ग्रुप नंबर 2। इसके क्या पीरियड क्या है? इसमें आउटर टोटल कितने शेल हैं? 3 शेल। तो इसके कितने पीरियड नंबर हो गए? पीरियड नंबर 3। और इसमें क्या पूछेगा हमसे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्साइड क्या है? तो बताओ ये मेटल है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। तो पहला क्वेश्चन था हमसे यहीं पर आ गया। दूसरे क्या पूछते हैं सोचा, एलिमेंट हैज Twice the number of electron in the third shell. Twice the number of electron in the third shell as in the first shell. तो बता first shell में उतना जितना electron है, third shell में उसका double है। तो पहले हमने लिखा KL और M। हमें 3 शेल लिख दिया। बताओ third shell तो तभी भरेगा जब first और second भर चुका होगा n to 4। इसका double है, twice the number of electron in the third shell as in the first shell। इसका double कितना हो गया यहाँ पे? 4। तो बताओ 2 8 4 2 8 4। जब आप देखेंगे ये दिस इज द सिलिकॉन एंड द सिलिकॉन इज द मेटलॉइड। सिलिकॉन क्या है हमारे पास? एक मेटलॉइड है। बोलेगा इसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सिलिकॉन लिखेंगे ना ऑक्सीजन लिखेंगे। सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो SI ये कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फार्मूला बनेगा हमारे पास SiO2। इसके ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछें। ये सब क्वेश्चन जो है ये बैक ईयर के क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहे हैं हमारे हमसे? हमें कैटेगराइज कर देते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 में आते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस एलिमेंट में हाइड्रोजन यहाँ पे ये हमारे लिए है नॉन मेटल। बेरिलियम हम लोग अपने क्लास 10 में कैटेगराइज करेंगे इसको मेटल के फॉर्म में। बोरॉन ये हमारे लिए होगा मेटलॉइड। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल। तो इन द फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल होगा, बोरॉन मेटलॉइड होगा, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सब मेटल है। अब आइए नेक्स्ट कैटेगराइज करता हूँ मैं। ग्रुप नंबर 14 को अलग कैटेगराइज करते हैं। इसमें सबसे पहला है कार्बन। कार्बन एज वी नो डैट इट इज नॉन मेटल एंड सिलिकॉन इज मेटलॉइड
एंड नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17, इसको नेक्स्ट कैटेगराइज में देखेंगे। इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट है ऑल आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल क्यों है, इस सब की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी, इन सब ग्रुप की वैलेंसी पूछेगा तो मैं बोलूंगा वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे आउटर इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये दीज आर नॉन मेटल्स एंड द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग अलग से बोलते हैं, इसका नाम होता है हैलोजन्स। तो हैलोजन्स की वैलेंसी कितनी है, 1 है। हैलोजन्स आर द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन्स। ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 3। एंड ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड, एंड ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस, एंड नोबल गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ गया, तो ये सारे नोबल गैसेस हैं, ये सब हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है, बाकी सब ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 में क्या है, मेटल है। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 में सारे नॉन मेटल्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। एंड ग्रुप नंबर 18 में हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस हैं एंड इनर्ट गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। किसी भी पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं कोई एक पीरियड ले लेता हूँ, जैसे पीरियड में लेता हूँ मैं थर्ड पीरियड में हमारे पास कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ऑर्गन है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 एंड 17 एंड 18। इसके बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, 282, 283, 284 एंड 285, 286, 287, 288, ठीक है। सबसे पहला है पीरियड्स है वो है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ये अब देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस कर रहा है। अच्छा दूसरा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और ये क्या होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ने में, ये भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज हमसे पूछते हैं, रेंज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम 1 to 8, टोटल कितने हैं, 8 है। यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, ये सबकी वैलेंसी भी लिख देता हूं मैं, वैलेंसी 1, यहां 2, यहां 3, 4, 5, वैलेंसी 3, 2, 1, 0। अगर मुझसे पूछेगा वैलेंसी का रेंज क्या है, तो हम बोलेंगे 0 से 4, वैलेंसी का रेंज होगा 0 to 4। क्यों, कितने टाइप ऑफ वैलेंसी है, तो वैलेंसी है 0, 1, 2,
फोर कितने टाइप्स हैं? फाइव टाइप्स. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने टाइप्स हैं? एट टाइप्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो देखेंगे, वो है पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास एटॉमिक साइज. चौथा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एटॉमिक साइज है. तो अब हम जो चौथे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज. अच्छा, एटम को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं और स्फेयर का वॉल्यूम होता है आप जानते हैं 4/3 πr³. एटॉमिक साइज, तो अगर एटॉमिक साइज बोले या एटॉमिक वॉल्यूम बोले या आयनिक साइज बोले या आयनिक वॉल्यूम बोले तो क्या करना है लेफ्ट टू राइट बढ़ने में? तो एटॉमिक साइज क्या करता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जा रहा है. आप पूछोगे क्यों डिक्रीज कर रहा है? देखिए, आपको दिल तो ये कह रहा होगा ना कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऐड होते जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. अगर हम इस एग्जाम में इसका रीजन पूछेगा तो हम बोलेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. अब ये नया वर्ड आ गया, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज. न्यूक्लियस के चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है. और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जाता है? इंक्रीज करते जाता है. तो क्या करते हैं, तो ये देखिए, आप इसको समझिए ऐसे, सोडियम है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन. नेक्स्ट है मैग्नीशियम, पहले वाले में 2, 8 एंड लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा. एंड थर्ड है एल्यूमिनियम, 2, 8 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 एंड 3. तो अब देखिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का. तो ये क्या करेगा, ये 12 प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से खींचेगा तो साइज और छोटा हो जाएगा, या 3 साइड से खींचेंगे. जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे एक्सेप्ट नोबल गैसेस. तो यहाँ से लेफ्ट राइट बढ़ने में साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता था. हमसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वही मेटल ज्यादा अच्छा है. इन तीनों में आप देखिएगा, ये तीनों मेटल है, तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ना लूज करता है ना गेन करता है, ये शेयर करता है. तो बताओ इन तीनों में मैं डिसाइड करने पूछेगा तो सबसे अच्छा मेटल सोडियम है क्योंकि सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो. तो बताओ लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है. सबसे अच्छा मेटल सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम. ये 50% मेटल है, बाकी सब तो नॉन मेटेलिक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे क्या होता है? इंक्रीज करता है. आप देखिए इन तीनों में, बाकी सब तो मेटलॉइड है, 50% नॉन मेटल है. यहाँ आते हैं इन तीनों में, इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसको 2 और इसको 1. तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये. तो इसलिए सबसे अच्छा मेट नॉन मेटल क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर पोटेशियम. तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट पॉइंट जिससे हमसे पूछे जाएंगे वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग 10th तक में क्या समझना है? हमें 10th तक ये समझना है जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. लेकिन हमें यहाँ ऐसे इस तरह से समझिए, आप इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी गेन करके क्या बन जाए निगेटिव. तो भाई ये तीनों तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है नहीं, ये नॉन मेटल है, ये भी शेयर करता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन. तो सबसे उसके बाद सल्फर, फिर फॉस्फोरस. तो बताते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन होगा? क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस. यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएगा. मेटालिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होने वाला?
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके जितना जल्दी पॉजिटिव बन जाएगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन पॉजिटिव बनेगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा हमारे पास, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनक्रीज कर जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, हमारे पास पीरियड्स के। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किसी ग्रुप्स का। देखिए मैं दो ग्रुप लेता हूं, इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है। सबसे पहला ग्रुप नंबर वन, सबसे पहले कौन होता है आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, बैरिलियम, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। सीजियम के नीचे होता है फेरेंशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर जाएंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 3 और इसका 11, इसका 19, इतना तो आप जानते होंगे। फिर आगे होता है 37 और ये होता है 55 और ये होता है 87। तो 82 के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं सब रेडियो एक्टिव है, तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ये तो नॉन मेटल है, इसके बारे में लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं, इसकी बारी खत्म यहाँ पे। तो अब जो भी डिसीजन होगा वो किस में होंगे, इन सब में डिसीजन होगा। तो आप मुझे बताएं सबसे अच्छा नॉन मेटल, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन आप कर लो, 2-1 इसका हो गया 2-8-1 और इसका 2-8-8-1 और 2-8-18-8-1 होता है, तो हम लोग वो 11th में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। सभी सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिए थे, हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी लिए थे एटॉमिक नंबर। एक चार ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन्स बोलते हैं, उसमें सबसे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड नेक्स्ट एस्टेटीन होता है, उसका 85 होता है, वो हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9, 17, 35 and 53। तो क्या मुझे एटॉमिक नंबर याद करना है ना, यहाँ तक तो आपको याद करना ही है 10th तक में, बाकी ये जानना है इसके नीचे ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। वो टॉप टू बॉटम आने में, टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रहा है, आप देख लो इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा है एटॉमिक मास, टॉप टू बॉटम आने में ये भी क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। हाइड लिथियम का होता है 7, 23, 39, तो एटॉमिक मास भी क्या होता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट था हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। अब आइए टॉप टू बॉटम आने में, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो वैलेंसी भी 1। इन सब के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2-7, इसका है 2-8-7, तो आउटर इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, और सबकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा, रिमेन्स द सेम। एंड ना लास्ट, चौथा पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक रेडियस, कुछ भी बोलेगा, आयनिक साइज, आयनिक रेडियस, आयनिक वॉल्यूम, इन सब क्या होता है टॉप टू बॉटम आने में हमारा क्या हो रहा है। ये देखिए आप एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या होगा एटॉमिक साइज क्या करता है यहाँ पे, इंक्रीज करता है। हमसे ये भी पूछते हैं कि क्यों इंक्रीज करता है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जा रहा है।
फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, वो है मेटैलिक कैरेक्टर। मेटैलिक कैरेक्टर, देखिए मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते रहता है। अब आइए टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो सबसे आसानी से कौन करेगा, सीजियम। हम लोग फ्रेंसियम के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सीजियम। तो हमारे पास आइए उससे बात, रूबीडियम, फिर टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रहा है आपका मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये क्या होगा टॉप टू बॉटम आने में, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सेवेंथ पॉइंट में मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव बन जाए, अपनी भाषा में भी यही समझेंगे क्लास टेंथ तक, जब हम लोग इलेवेंथ में जाएंगे तो बताएंगे जो शेयर्ड पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम आने में हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अब आते हैं इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पॉइंट जो कि हमें सर पूछते हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। कहीं कहीं पे इसको इंथैल्पी भी लिख देते हैं। आप एनर्जी और इंथैल्पी एक ही चीज़ समझो, इंथैल्पी और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, कोई भी एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। तो इस वर्ल्ड में जितने वर्क होते हैं सब प्रेशर पे किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि सारे पे कितना प्रेशर लग रहा है, 180 प्रेशर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बताइए इस इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का था अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो रिंग टॉप टू बॉटम आने में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि साइज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रहा है बताओ, टॉप टू बॉटम आने में डिक्रीज कर जा रहा है। अभी आइए लेफ्ट टू राइट बढ़ने में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट बढ़ने में, लेफ्ट टू राइट बढ़ने में साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, न्यूक्लियस ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं विद द न्यूक्लियस, तो क्या होंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या होता है, साइज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। इन सब हमारे पास थ्योरी था मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स थे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैं आपके भाषा में समझा देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉल्ट है, ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी वेजिटेबल बनाने कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सॉल्ट कौन सा है। तो आप बताइए सारे वेजिटेबल में क्या एक कॉमन है, वो है सोडियम क्लोराइड। तो ये तो समझ में आ गया हमारे पास,
आप पूछा किस कैटायन और किस एनायन से बनेगा, तो हम लोग बता देंगे ये किससे बना है, एन ए प्लस आयन से एन सी एल माइनस आयन से। किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो सोडियम, लिखो आप सोडियम आयन क्लोरीन, तो ये क्या हो गया 281 एंड ये क्या हो गया 287, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। इसमें सोडियम कौन से ग्रुप से है, ग्रुप नंबर 1 एंड क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से, ठीक है। अब इसमें और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं हमें कि एक पीरियडिक टेबल दे दिया हमारे पास, खुद से बना के उसने पीरियडिक टेबल दी। एलिमेंट दे दिया यहाँ पे ए, कुछ भी दे दिया आर्बिट्रेरी, बी सी डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, यहाँ आई, यहाँ के, यहाँ पे एल, ये ग्रुप नंबर 1 दे दिया, 2, 13, 14, 15, 16, 17, और आपके पास ये हो गया पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4। तो हम देखेंगे तो क्या हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, पूछेगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटल्स, तभी हम लोग कैटेगराइज किए कि इन तीनों में सबसे ऊपर में हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल होता है, तो ये हो गया हमारे लिए नॉन मेटल। 14 में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होते हैं, ऑब्वियसली ये कार्बन सी वाला कार्बन नहीं है, वो ए बी सी डी वाला कार्बन है, तो बताइए कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। दूसरा, ये सब वाले एलिमेंट कौन है, नॉन मेटल है। विच ऑफ द, पहली बात, दूसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल्स, तो हमारे पास जी बी एन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट्स, ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस, नोबल गैसेस, के एन एल, के एन आई। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन जी एंड एच, जी की वैलेंसी है 1, एच की वैलेंसी होगी हमारे पास 2, तो आप क्या बनेंगे हमारे पास G2H। What type of bond will be formed between D and H? D की वैलेंसी है 3, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 15, वैलेंसी 3, आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 16, वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा हमारे पास D2H3। आप जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसके किसके बीच में बना, मेटल नॉन मेटल के बीच में, तो G2H क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, एंड D2H3 क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स, आप इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।